अब हम बात करते हैं मेंटेनेंस की। किसी भी मशीन का मेंटेनेंस और उसको रख रखाव रखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आपने मशीन को ज़्यादा से ज़्यादा साल चलानी है तो उसका मेंटेनेंस और रख रखाव बहुत ज़रूरी है। इस मशीन को अगर आपने देखा होगा, ये पावर ऑपरेटेड है, बहुत ही उसके बहुत पार्ट हैं जो मशीन से रोटेट होते हैं, बेयरिंग्स हैं, गेयर हैं। उसके लिए हमें क्या करना, पहले उसमें प्रॉपरली हमें देखना पड़ेगा कि हमारे पास में जो गियर बॉक्स है उसमें प्रॉपर गियर ऑयल है कि नहीं है, वो बहुत हमें मेंटेन करना ज़रूरी है। उसके बाद में इसमें हर जगह बियरिंग्स हैं, गियर हैं, उसमें प्रॉपर गियर और गिरिस लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ, ऑयल लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ, वो देखना पड़ेगा। उसके बाद में जैसे हमारी ये स्प्रिंग होती हैं, ये प्रॉपरली लगी हुई होती हैं कि नहीं लगी होती, वो देखने वाली बात है। इसका ऐसा तो नहीं है कि इसमें जंग आ गई है, चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ड्रैग ही हो रहा है, ये बहुत बड़ा मेंटेनेंस में है। इसके बाद में हमें देखना पड़ेगा कि हमारा बेल्ट कहीं प्रॉब्लम ढीला तो नहीं है या ज़्यादा टाइट तो नहीं है। अगर ज़्यादा टाइट है तो उसको थोड़ा वो एडजस्ट करना पड़ेगा, ज़्यादा लूज है तो उसको टाइट करना पड़ेगा। इसके बाद में ये बहुत ज़रूरी है, किसी भी मशीन को फील्ड में चलाने के बाद में, सीजन के बाद में, आप पूरे आपके जो फर्टिलाइज़र और सीड बॉक्स हैं उनको आप बिल्कुल वॉश करवाइए, बिल्कुल क्लीन कर दीजिए, अदरवाइज़ तो उसमें जंग लग जाएगा और रस्टिंग हो जाएगा फर्टिलाइजर कारण से, और नेक्स्ट सीजन में आपको काम नहीं आएगी। इसके अलावा जितने भी फ्लैल्स हैं उनको वॉश करवाइए, जितने भी ये फ्लैल्स हैं, टाइन्स हैं, इनको हमें बिल्कुल सीजन के बाद में वॉश करवा के रखना पड़ेगा जैसे कि ये रखी हुई हैं। उससे कि क्या है, मशीन में रस्ट नहीं लगेगा और कोई ब्लॉकेज नहीं होगा और कोई समस्या नहीं होगी। तो ये बड़ी मुख्य मुख्य चीज़ें हैं जो मेंटेनेंस में ध्यान रखने वाली हैं। धन्यवाद।